पापा वैल्यू है उसकी, अलग ही वैल्यू, नाम ही काफी है उसका। लड़की चला रही है, ठोक दी गाड़ी, ठोक दी। उसके अंदर काम करवाया है ना, वो अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट नहीं करवाता। एक मनोज और एक अंश, इनकी टक्कर है। और अभी का सीन ये है, अभी अभी सोकर उठा हूँ, सुबह जल्दी उठा था तो नींद आ गई, और मनोज का फोन आया, वो आ रहा है, और मुझे स्टूडियो में भी कुछ काम है, तो उसको स्टूडियो लेकर चलेंगे और उसका रिएक्शन देखेंगे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मतलब पहले आया था जब काम चल रहा था, लेकिन अब पूरा रेडी हो गया, तो उसका रिएक्शन देखते हैं। और अब मनोज को आए हुए 40-50 मिनट हो गए, और पूरा स्टूडियो देख लिया है, तो कैसा लगा? मजा आ गया देख के। सही है, बहुत अच्छा है, काम चला हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत। आपने जो इसके अंदर काम करवाया है ना, वो अच्छे से अच्छा आर्किटेक्ट से नहीं कर पाता, बहुत अच्छा माइंड। जितना भी कराया मैंने एक हफ्ते में कराया, मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, और अभी भी आपको पूरा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि पूरी स्टूडियो की वीडियो बनाऊंगा और वो आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ऐसे दिखाऊंगा मजा नहीं आएगा, इसलिए कोना पकड़ लिया। एक हफ्ते का खेल हुआ होगा ये, तो तुमने देखा नहीं था जब पिछले मंडे आया, और फिर मंडे एकदम कम्प्लीट, पूरा पूरा कम्प्लीट कर दिया। पिछले मंडे आया था जब चालू हुआ था काम, और इस मंडे क्या पहले ही हो गया था, मतलब एक हफ्ते के अंदर A to Z पेंट से लेके प्लम्बर, जितना भी सारा काम, कैमरा, सब कुछ हो गया। डे नाइट करवाया था काम है, डे नाइट, डे नाइट नहीं कराया था, बस वो एक साथ, जैसे सब एक साथ लगा दे, प्लम्बर, बिजली वाला, और वो सब एक साथ लगे हुए थे, सबने अपना अपना कर लिया, और बाकी डेकोरेशन का था जो वो मैं लाए लाए जा रहा था, वो पहले मैंने लाके एक जगह रख लिया था। अच्छा लग रहा, बहुत कलेक्शन बहुत अच्छी लग रही है, आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में देखना। और जब तक मनोज आया नहीं था ना, तो मैं अपना इंस्टाग्राम और यूट्यूब चेक कर रहा था, तो कमेंट्स देखो कितने आए हुए, मैंने एक स्टोरी लगाई है उस पर, देखो ये सारे कितने मैसेजेस आए हुए हैं, और ये भी है और भी है, और यूट्यूब पर भी है, और इधर भी देखो ये सारे मैसेज, और ये सारे मैसेज ना सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि आप यूट्यूब क्यों क्यूट कर रहे हो, मतलब सबने ये पूछा हुआ है, जितना मैंने अभी एक स्टोरी लगाई थी उसके ऊपर आए हुए हैं इतने मैसेज, आप लोगों के इसी प्यार की वजह से हम वापस आ गए। ये देखो सब में ही व्लॉग का लिखा हुआ है, सब में, अगर मैं कोई भी खोलूंगा तो सब में ही लिखा है भाई ब्लॉग डाल दो, मतलब मैं कम से कम 100 से ऊपर मैसेज पढ़ चुका हूँ, लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, सब में यही है, और यही प्यार है जिसकी वजह से मन कर रहा है कि नहीं हमें डेली करना चाहिए। आपके साथ साथ ना मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, मेरे को भी मेरे चाहने वाले भी कहते हैं तेरी वीडियो नहीं आ रही आजकल, क्या बात है? ऐसा है क्या? क्या बात है, तेरे लक्की सर वीडियो नहीं डाल रहे? नहीं नहीं, अब डालूंगा, बात होने लग गई आपको। वो लोगों को आदत पड़ गई ना, क्योंकि डेली डाल रहा था, वीडियो वगैरह डालता रहा थोड़ा। अब देखूंगा, कोशिश डेली की करूं, डेली नहीं हुआ तो वही हफ्ते में 3-4 दिन। इतना वो मत करो, कभी मैं रोई पड़ूं, इतना भावुक मत करो। नहीं नहीं, अब तुम जल्दी से बैक हो जाओ। और स्टूडियो से हम जिम चले गए थे, थोड़ी देर मैंने जिम देखा, उसके बाद मनोज अपने घर चला गया, और मैं जा रहा हूँ अब घर, क्योंकि मुझे जाना है पापा को लेकर एक फंक्शन में, तो मैं घर भी नहीं जाऊंगा, मतलब नीचे ही पापा को बुला लेता हूँ फोन करके, क्योंकि काफी लेट हो गए हैं पहले ही, और उससे ज्यादा लेट होंगे तो फिर डांट पड़ेगी। अब मुझे दोनों तीनों काम करने हैं, मतलब घर का जो भी काम है, फंक्शन कुछ भी, उसमें भी जाना है, पापा को लेकर भी जाना है, मुझे अपने काम भी देखना है, जिम भी देखना है, और उसके अलावा भी जो मेरे काम है वो देखने हैं, और उसके बाद यूट्यूब की वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, दिल से कोशिश करूंगा, क्योंकि इतना प्यार देख के मेरा मन किया कि नहीं करना है तो करना है। मुझे नहीं पता मैनेज कैसे होगा, लेकिन करूंगा मैं सब कुछ, चाहे हफ्ते में 3 दिन करूं, 4 दिन करूं, कोशिश डेली की करूंगा, लेकिन कैसे भी मैनेज करूं, सारा मैनेज करना है मुझे, काम से लेके घर से लेके वीडियो सब कुछ मैनेज करना है, एडिटिंग सब कुछ मैनेज करूंगा। पापा भी ब्लेजर पहन के हैं, अंश भी ब्लेजर पहन के है, और मैं जैसा सुबह से था वैसे ही, तो मेरा मन नहीं है, सब मुझे नहीं देखेंगे वहाँ, चलो बदल लो, सब फंक्शन में जा रहे ब्लेजर पहन के, मैं ऐसे ही बदल लेते। मैं कहूँ तो तू पहली बार बैठे ना? हाँ, कार में भी पहली बार बैठो, पहली बार बैठो ना पापा, पहली बार बैठे। कैसी लगी? बढ़िया लगी। आज इत्तफाक है, मम्मी भी पहली बार बैठी है, आप भी पहली बार बैठे हो। अब मुझे पूरे दिन काम सब कुछ करना है, तो मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा, मैं ब्लेजर नहीं पहन सकता, सीधा आया सीधा वहाँ से नीचे से नीचे ही, अगर टाइम होता तो थोड़ी हो सही है। Talk to me nice, talk to me honestly, look in my eyes. लड़की चला रही है, ठोक दी गाड़ी, ठोक दी। जब ट्रैफिक चल रहा था ना, सीन इतना खतरनाक था, सीन देखते ना, और हंस रही थी वो डिवाइडर पे चढ़ाकर, डिवाइडर पे बिल्कुल कार ऊपर चढ़ा दी। मैं कैमरा क्या करी यो। इसने जैसे कैमरा स्टार्ट किया, इससे करी यो यो यो। इसलिए मैंने रोकी नहीं, लेकिन लड़की थी और चारों टायर हवा में थे। कार बलेनो थी, कौन सी थी? बलेनो थी, वो कैब वाला को हेल्प कर रहा था, मैं रोकने की सोच रहा था, इतने में वो ऐसे करने लगी, मैंने कहा खामा का कुछ ड्रिंक व्रिंक कर रखी उल्टा बोले। और ये कार देख रहे हो, ये रॉयल्स रॉयस है, और मैं पापा को बता रहा था ये 3-4 करोड़ की कार है, तो पापा कह रहे हैं ऐसा क्या है इसमें, इससे अच्छी तो अपनी कार है। ऐसी लग रही है,
पापा कह रहे सेम ऐसी लग रही है, अपने जैसी कुछ अलग लग नहीं रहा है पापा, उसमें अंदर बहुत कुछ है। बाहर से तो बहुत सिंपल है वैसे, सही है। लड्डू अंदर पता है वो कैसी है, अंदर चलता फिरता घर है वो, अंदर और क्या होगा, घर है वो चलता फिरता अंदर, खाना खावा है अपना आप, खाना बना के देती है वो, तो फिर वो वाला घर थोड़ी है, अंदर क्या सीट सोने की है पापा, वैल्यू है उसकी, अलग ही वैल्यू, नाम ही काफी है उसका, बस ये समझ लो। हंस ने आती अपनी डाइट ली है सबसे पहले, हैं फुल डाइट पे ध्यान दिया जा रहा, सुबह कचौड़ी शाम को पकोड़े, फिर काम दूँ जा। नीचे जो फंक्शन हो रहा है वहाँ पर काफी शोर हो रहा था, तो मैं तो ऊपर आ गया हूँ, मेरे साथ अंश भी आ गया, पापा नीचे है, बाकी हम दोनों ऊपर आ गए। अरे डाइट ले ली पूरी, हाँ अभी नहीं हुई, अभी इसका सेकंड राउंड रह रहा है, अभी ये फर्स्ट राउंड लेकर आया है, और अभी टाइम 9:24 हो चुके हैं, और भाई को सेकंड राउंड लगाना था लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी, सारा खाना इधर आ गया, और सच बता रहा हूँ मैंने कुछ नहीं खाया, जितनी भी प्लेट देख रहे हो ना ये भाई ने साफ कर दिया, इसने ही खाया है सारा। अरे क्या हो गया, डाइट है तो तेरी अच्छी है, उसमें छुपाने वाली क्या बात है, सच बता रहा हूँ मैंने एक पीस नहीं खाया, सिंगल एक पीस, जो नीचे खा गया उसके बाद यहाँ खाया मैंने, और ये देखो भाई ये देखो, एक मनोज और एक अंश, इनकी टक्कर है, इनको ना मैं ट्रिप पर लेके जाऊंगा दोनों के, और इनके कॉम्पिटिशन कराऊंगा। आज कार चला चला कर, लेकिन मैं करेगा जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठकर एडिट करेगा, जो कि वीडियो आप तक पहुंच जाए, लेकिन आपको प्यार उसी तरह देना है जैसे आपने पहले वाली वीडियो में दिया ना, उसी तरह लाइक कमेंट्स करने, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ज्यादा लाइक और कमेंट्स होंगे तो हमें मोटिवेट मिलेगा, फिर हम कोशिश करेंगे डेली व्लॉग की। अभी अभी घर आया हूं बिल्कुल, और टाइम जो हो रहा है ना अभी 10:45 हो गए, इसे देखो, और इसको देखकर तो मन लगता है आधे एक घंटा इसके साथ खेलूं, और मुझे यही करना होगा, अपना शेड्यूल थोड़ा टाइट करना होगा, मतलब मुझे नींद कम लेनी होगी, अब 11 बज गए हैं, सोते सोते 11:30-12 बज जाएंगे, और 4 बजे मुझे उठना ही उठना है, चाहे 11 बजे 12 बजे 2 बजे, लेकिन 4 बजे उठना ही उठना है। अरे करने दे भाई बात, 2 मिनट बात कर लो फिर खेल लियो, हाँ ये अपनी मम्मी को देख के कर रहा है, इसकी मम्मी है पीछे, हाँ कुछ भी हो अब शेड्यूल टाइट करके ऐसा कोशिश करूंगा कि घर के काम भी कर लूं, अपने काम भी कर लूं, और यूट्यूब भी कर लूं, तो बस थोड़ा नींद ही कम लेनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के जो एडिटिंग होती है ना वो बहुत जल्दी और मुझे अच्छा लगता है, तो वो सुबह करूंगा। फिलहाल चलिए मैं इसके साथ खेलता हूं और सोता हूं, नहीं तो ऐसे ही करता रहेगा पागलों की तरह। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए बाय टाटा।